कसाई लोग क्या करते हैं कि जानवर को काटते हैं तो काटते चले जाते हैं। शरीयत में हुक्म है चार रगे काटने के बाद जानवर छोड़ दो, उसको तड़पने दो, समझ रहे हो, तड़पने दो। उस तड़पने से फायदा यह होता है उसका जितना ब्लड है वो निकल जाता है। जबा करने में एक बहुत बड़ी हिकमत क्या है कि उसका खून, सारा खून गंदी और नापाक चीज है, वो बॉडी से क्या हो जाती है, उसमें बीमारियां भी होती हैं। ये जो जानवर में कोई बीमारी हो ना तो उसके खून में होती है, खून का निकलना जरूरी है, गोश्त साफ हो जाता है इससे। अब कसाई लोग क्या करते हैं कि इन्होंने चूंकि उस दिन मैंने बताया ना तो सलाम का जवाब नहीं देते उस दिन ईद के दिन, ये इतने फ्री बिजी, ये क्या करते हैं जानवर जबा करने के बाद उसके गले में छुरी मारते हैं, उसकी ये जो पीछे आसाबी रग है इसको काट देते हैं। इससे जानवर को तकलीफ भी ज्यादा होती है और ठंडा भी जल्दी हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस खूंटे से जानवर बांधा हुआ था वो खूंटा अभी खाली है, थोड़ी देर के लिए उस खूंटे से किसको बांध दें, कसाई को बांध दें, क्योंकि कसाई कंट्रोल में नहीं आता। उसको आप 100 दफा भी कहे भाई नहीं काटो, वो फिर भी काटता है, वो फिर भी छुरा मारता, उससे जानवर हराम नहीं होता। लेकिन एक जो एक हिकमत है जबा का, एक शरी तरीका है, उस तरीके पर तो अमल नहीं हुआ ना, जानवर तो हलाल ही रहता है, लेकिन एक कराहत आती है, कराहत मकरू अमल है ये। इसलिए कसाई को पहले, गाय पे जितने आदमी थे ना उससे ज्यादा आदमी कसाई पे छोड़ दें आप, उसको बोले इसको तड़पने दो, और उस वक्त तक वो 8 आदमी किसको पकड़ के रखेंगे, कसाई को पकड़ के रखें, क्योंकि वो भागेगा, वो आएगा बोलेगा नहीं नहीं मैं काटने, उसको पकड़े आप या खूंटे से बांध दें, बाकी जब जानवर ठंडा हो जाए तो फिर कहें आप अब तुम्हारा काम शुरू है। समझ गए यहां तक। तीसरा मसला, जब जानवर जबा करें तो बाज दफा आप जबा कर रहे होते हैं तो कसाई भी आके हाथ लगा देता है उसमें, लेकिन वो तकबीर नहीं पड़ता। जब दो आदमी मिलके गला काटेंगे तो दोनों के लिए तकबीर पढ़ना जरूरी है, अगर एक ने भी छोड़ दी तो जानवर मुकम्मल हराम हो जाएगा, उसका गोश्त किसी के लिए भी हलाल नहीं होगा। उन्होंने गुटके रखे हुए होते हैं, मुंह में मुंह हिल ही नहीं रहा होता उनसे, तो उनसे बोले भाई गुटका थोड़ी देर के लिए फेंक दो, तसल्ली के साथ बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर पढ़ो जोर से। और उलमा कहते हैं कि जो लोग वहां खड़े हुए उनको भी चाहिए तकबीर पढ़ लें, ताकि जो वो जो है ना जो जबा कर रहा है उसको याद आ जाए। ठीक है, भूले से अगर तकबीर रह गई तो भी जानवर हलाल है, लेकिन जानकर अगर छोड़ दी या मसले का इल्म नहीं था या कसाई ये समझता था भाई इसने पढ़ ली तो काफी है मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वो जानवर क्या हो जाएगा, हराम हो जाएगा। भूले से छूट जाए तो एक अलग बात है, जानबूझकर तकबीर छोड़ेंगे तो जानवर हराम हो जाएगा। अलबत्ता आप चार रगे काट चुके थे फिर कसाई ने छुरी हाथ में पकड़ी है फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो तकबीर ना भी पड़े तो जानवर क्या है, हलाल है। तो शुरू की रगे जो है ना जब कटती है तो उसमें तकबीर का पढ़ना जरूरी। आजकल ये फार्मी मुर्गी वाले भी तकबीर नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैंने कई दफा पकड़ा है, इनको जाके पकड़ा करें, इनसे बोले जोर से बोला करो, वैसे तो बातें चीख चीख के करते हैं, जब अल्लाह का नाम लेने का वक्त आता है तो पत्नी नाम ही नहीं लेते वो। तो इन्होंने भी गुटके रखे हुए होते हैं मुंह में, इनके पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि गुटके के साथ तकबीर पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है ना, मैंने गुटके वालों से इसकी तहकीक की, कहते हैं पान भी मुंह में तो सलाम का जवाब नहीं देता, वो तकबीर कहां से पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले मैं जा रहा था, किसी से मोटरसाइकिल वाले से रास्ता पूछा, उसके मुंह में गुटका था, तो पूरा गुटका उसने मुंह से फेंका है मेरी खातिर, उसके बाद उसने वालेकुम सलाम कहा और फिर मुझे एड्रेस बताया। मैंने कहा देखो ये हालात है,